नमस्कार, मैं हरमीत सिंह एबी न्यूज से आपका इस समय स्वागत करता हूं। और आप देख रहे हैं इस समय हम जो राजभवन गवर्नर हाउस के बाहर खड़े हैं, और यहां पर इस समय आप जो पुलिस जो है वो भी देख रहे हैं। और इसकी वजह जो है आप देख रहे हैं, पहले पुलिस की पूरी जो कार्रवाई जो है यहाँ पर जो है वो पूरी लगी हुई है, और किस तरह से रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों को कोशिश की जा रही है। और जो प्रदर्शनकारी अगर आप देखें तो आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज जो लगातार 24 दिन से जो है हर बार ये तकाजा देते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, और अगले दिन आप भूल जाते हैं इस बात को। लेकिन आपने उस पे क्या जीरो पॉलिसी लाई, जीरो टारगेट की पॉलिसी लाई? आप हर बार बोलते हो एक छोटा सा नेशन हमें डिस्टर्ब करते हैं, क्या उसकी इतनी मजाल है वो हमें डिस्टर्ब करे? पांच लोगों को मार दिया, अभी ब्लास्ट भी एक हुआ है जिसमें एक बच्चा भी मर गया। देखो सबसे पहले नए साल और पहले ही दिन निहत्ते जब हम कह रहे थे आप देख रहे हैं जिहादी माइंडसेट मुर्दाबाद, जिहादी माइंडसेट मुर्दाबाद, जिहादी माइंडसेट मुर्दाबाद, जिहादी माइंडसेट मुर्दाबाद, लश्करे तैयबा मुर्दाबाद, लश्करे तैयबा मुर्दाबाद, हिजबुल मुजाहिदीन मुर्दाबाद, डीआरएम मुर्दाबाद, जिहादी माइंडसेट मुर्दाबाद, जिहादी माइंडसेट मुर्दाबाद, बंद कराओ बंद कराओ, बंद करो बंद कराओ बंद कराओ, बंद करो बंद कराओ, बंद करो ये कत्लो गारत, बंद कराओ बंद करो बंद करो ये कत्लो गारत, बंद कराओ बंद करो बंद करो। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये कत्लों का रत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये कत्लों का रत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये बादशाह नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये बादशाह पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी यही लोकेशन मार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो इनकी मांग जो है पूरी नहीं की जा रही है। और आज वही जो है साल के दूसरे दिन जो है यहाँ पर राजभवन गवर्नर हाउस के बाहर यहाँ पहुँचे हैं कि गवर्नर से जो है वो एक बार फिर गुहार लगाने की कोशिश की जा रही है। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये कत्लों का रत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कश्मीर में हिंदू बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, कश्मीर में हिंदू बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदल पाएगी क्या? सर 1990 से तकदीर को संवारने के लिए हमने बहुत परिश्रम किया, 12 साल बिना किसी को देखे नौकरियां कश्मीर में की, रोज हमारा कल्चरल जूनोसाइड होते जा रहा था, उसे नजरअंदाज करते हुए हमने नौकरियां की। लेकिन अब जब वो आपके घर में घुस के आपको मार रहे हैं, 90 दोहरा रहे हैं, तब भी अगर आप चुप बैठे हैं तो आपकी नाकामी है, आपकी नाकामी है। 235 दिन तक ये यूथ सड़कों पे दर बदर घूम रहा है, आपकी नाकामी है, आपकी नाकामी है। आप इनको इनकी सैलरियां तो छोड़ो, इनमें इतनी सी आप होप नहीं जनरेट कर पाए कि सब ठीक है, कश्मीर को ठीक करने के बजाय आप उसको तो छोड़िए। आप रजौरी में घर में घुस के लोगों को मारा जा रहा है, हम एक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं डे वन रिलोकेशन की, और उसके लिए अगर दरवाजे खुले हैं तो खोलिए दरवाजे, हम अंदर आके मिलना चाहते हैं आपसे।
सर क्या लग रहा है कि जिस तरह एलजी प्रशासन ने जो स्टेटमेंट दी थी कि घर बैठे सैलरी नहीं मिल पाएगी और भाजपा के अध्यक्ष जो लीडर्स हैं वो सब आपसे आकर मिले थे और उन्होंने कहा था कि अब बात जो है वो होम मिनिस्टर तक पहुंचाई जाएगी, कितनी जल्दी बात वहां पहुंचेगी और कितनी जल्दी आपका वहां से हल कुछ निकल कर आएगा? सर पहली बात, आश्वासन हमें बहुत दिए गए हैं, 235 दिन से हमें आश्वासन मिले हैं कि आप बचे रहेंगे, आपकी सैलरी आएगी। ना तो हम बच रहे हैं ना तो हमारी सैलरी आ रही है। अभी आपने बात की कि एलजी साहब ने कहा घर में बैठ के सैलरी नहीं मिलेगी। परसों हमारा एक एम्प्लॉय लिवर सिरोसिस का मरीज 3 महीने से दवाई नहीं खरीद पाया, उसकी डेथ हुई है और हम घर पे नहीं बैठे हैं, सब लोग सड़कों पे हैं। Nobody sitting at home. We are fighting for the safety of our lives. If they are not able to understand, they should come and see the families जिनके घर में लाशें हैं, उनके घर में जाइए एक बार। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो के लिए कश्मीरी पंडित का यूज मत कीजिए। हम दरबदर हुए हैं 90 से, हमें यहाँ सोल्यूशन चाहिए। We want to get solution. Thank you. क्या लग रहा है सेंटर जो है इस पर जल्दी से जल्दी कोई राय दे पाएगी अपनी? सर हमारी उम्मीद है, गुहार लगाना चाहिए। सर हमारी उम्मीदें ही खाली सेंटर से है, पीएम मोदी से, अमित शाह जी से। हम उनसे तहे दिल से आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज पुट अ फुल स्टॉप टू दिस, इस जीरो साइड को बंद कराए। वी वांट टू लिव पीसफुली, वी वांट टू वर्क पीसफुली, प्लीज वी रिक्वेस्ट यू। किंतु जहाँ के लोग अपने काम पर लगे हुए हैं, मुझे लगता है मुझे नहीं लगता है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस समय जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर गवर्नर हाउस के बाहर जो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी मांग सिर्फ यही है कि गवर्नर जो है वो हमसे आकर मिले, बात करें। हालांकि काफी देर से आश्वासन जो है उनको मिलता जा रहा है, लेकिन अब वो आश्वासन की दौर जो है उसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अब 2022 से 2023 जो है वो आ चुका है। चलो पीछे चलो, तस्वीरें देख रहे हैं आप। आप देख रहे हैं 2022 से 2023 आ चुका है और जो तस्वीर है अभी भी बिल्कुल वैसी है। यहाँ पर गवर्नर हाउस के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजभवन, जहाँ पर पीएम पैकेज जो एम्प्लॉयज है वो कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर गुहार लगा रहे हैं कि गवर्नर एक बार फिर हमारी बात सुने। जो उनकी स्टेटमेंट है उसको लेकर उनकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं, तनख्वाहें नहीं आ रही हैं और ऊपर से कश्मीर पे जाने का जो उन पर प्रेशर डाला जा रहा है वो उससे अलग उनका रोष है। लेकिन 2022 से 2023 तक क्या पीएम पैकेज की तस्वीर और उनकी तकदीर क्या वो बदल पाएगी? क्या JKUT एडमिनिस्ट्रेशन, LG मनोहर सिन्हा क्या कोई कड़ा फैसला जो है उनके लिए कर पाएंगे? क्या केंद्र से होम मिनिस्टर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जम्मू कश्मीर को एक प्रगति की राह पर लेके जा रहे हैं, एक नया जम्मू कश्मीर बनाने की बात की जा रही है, तो क्या ये प्रदर्शन बंद होंगे? उनकी रीलोकेशन की मांग मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? क्योंकि अब पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का साफ कहना है कि जहां पर आतंकवाद अपने पैर जो है वो जम्मू कश्मीर में पसारने की हर डिस्ट्रिक्ट में कोशिश किया जा रहा है, उन हालातों में कश्मीर में वहां पर जाकर नौकरी करना मुश्किल है, नामुमकिन है और इसका हल जो है अब सरकार को कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। कैमरामैन ऋषि कुमार के साथ मैं हरमीत सिंह, जय हिंद।